बच्चे बिजनेस को आगे ना बढ़ा सकें तो बुरे बन जाते हैं, वो अगर आगे बढ़ाएं तो कहा जाता है कि जी बना बनाया बिजनेस मिल गया था जिस पे बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात। हर गुजरती हुई जनरेशन के साथ वालदैन के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपनी पसंदीदा कदरों को अगली नस्ल में मुंतकिल करें, क्योंकि वही घर जुड़े रहते हैं जहाँ एहतसाब का उम्दा निज़ाम होता है, लेकिन ये घराने बिखर जाते हैं जहाँ ज़रा सी भी बर्दाश्त का पहलू नज़र नहीं आता। तो ऐसे घरानों में जहाँ बर्दाश्त होती है और कोई एहतसाब का निज़ाम प्रॉपर नहीं होता तो इल्लतें जमा हो जाती हैं, लेकिन ये मुत्तहिद रहते हैं। अच्छे तरीके से एहतसाब किया जाता है, इल्लतों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन इखलाकी तौर पर कदरों को मलहूज़े खातर रखते हुए एक दूसरे की इसलाह की जाती है, तो ये हैं वो आइडियल घराने। असल में कहना ये चाहिए कि ये सब कुछ हमारा है, लेकिन चूंकि आप हमारे बच्चे हैं तो आपका भी है। यानी अपनी नफ़ी करना वालदैन की कोई बहुत ही पुरानी आदत बन गई है कि हमारी खैर है, तो ये जो कुछ भी हम कमा रहे हैं या जो कुछ भी है ये सब आपका है। और फिर जब वक्त आता है और बच्चे वाकई ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ हमारा है, तो फिर वालदैन को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इंसान ज़्यादा देर तक किसी कैफियत में नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन आप कितनी देर खुश होंगे, दो चार दिन के बाद उस गाड़ी के नुक्ता नज़र से जो आपकी खुशी है वो फिजल आउट कर जाएगी। अंधाधुंध जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, एक तो होता है ना कि 30 से 33 करना, फिर एक 25 से 33 करना, तो एक 0 से उठा के 33 करके पास किया जाता है, तो ये बात आगे जाके तो फिर बत्ती नहीं है, बिगड़ जाती है। जब बिज़नेस फलने फूलने लगे तो उसको थोड़ा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है, उसमें कायदे ज़वाबत बनाने की ज़रूरत होती है जिसे कोई तोड़ ना सके, उसमें वैल्यूज़ इनग्रेन करने की ज़रूरत होती है। आज के वालदैन बच्चों को अपनी खिदमत के लिए तैयार नहीं करते, अगरचे चाहते फिर भी वो खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुश आमदीद कहते हैं। जुमातुल मुबारक की शाम हम आपसे मुलाकात करते हैं, प्रोग्राम होता है यू आस्क फॉर इट, और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बाएं जानिब डॉक्टर सदाकत अली, CEO हैं विलिंग वेज के और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और गहरी निगाह रखते हैं ऐसे तमाम मसाइल पर जो समाजी तौर पर और इनफरादी तौर पर और फैमिलीज़ में लोगों को जो है दरपेश होते हैं, उनके ऊपर जो है गहरी निगाह रखते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और इस तरफ अगर हमारे साथ आपसे तारुफ कराता चलूँ, नदीम नूर साहब हमारे सीनियर काउंसलर हैं विलिंग वेज में, और आमना नवाज़ साहिब हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इधर में सिकरा तारिक हैं जो जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और सिप्तैन साहब को हम वेलकम कहेंगे, ही इज़ अनदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये हमारी टीम है डॉक्टर सदाकत की, जो कि विलिंग वेज में आप सब लोगों की खिदमत के लिए हमा वक्त जारी और सारी रखती है अपनी खिदमत। डॉक्टर साहब, आज का जो मसला है वो ज़रा सा हटके है, इनका नाम जो है सीगा राज में रखते हैं, और इन्होंने ख़त लिखा है इनबॉक्स में, कहते हैं मेरी उम्र 70 साल है, मैंने ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद की है और बड़ी मेहनत और लगन से अपना वसी कारोबार जमाया है, ये महज हादसा या इत्तफाक नहीं है बल्कि अल्लाह के करम के साथ साथ तकरीबन 50 साल रोज़ाना गोल सेटिंग, फोकस और करेक्ट डिसीजन मेकिंग का नतीजा है कि आज मेरा बिज़नेस पाकिस्तान के टॉप 100 बिजनेसेस में से एक है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, तमाम दुनियावी नेमतें, आसाइशें, सहूलतें मुझे और मेरी फैमिली को मुयस्सर हैं, नहीं है तो बस खुशी नहीं है बल्कि बेचैनी है, बेसकूनी है, रंजिशें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बैरून मुल्क से आला दर्सगाहों से फारिग तहसील हैं और मेरे साथ गुज़श्ता 25 साल से फैमिली बिजनेस का हिस्सा हैं, और मेरी बात सुनते भी हैं और मेरे मशवरों पर अमल भी करते हैं। बिज़नेस में मुझे अच्छी मदद भी उन्होंने फराहम की है, हमारे बिज़नेस को फ़रोग देने में, फलने फूलने में मेरे बेटों ने भी अच्छा साथ निभाया। मैं समझता हूँ कि तीनों बेटों को हम दोनों मियाँ बीवी ने अच्छी परवरिश की है और वो फरमाबरदार भी हैं। हम सब 20 किनाल की वसी अराजी में इकट्ठे एक ही 4 दीवारी में रहते हैं, जिसमें सब के लिए 4 अलग अलग घर मौजूद हैं। नौकर चाकर हैं, बेहतरीन लोकेलिटी है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ और इंतज़ामात हैं, मगर बेटों की बीवियों के आपस में मवाजना करने, एक दूसरे पर सबकत ले जाने, साजिशें करने,
चुगलियां करने की आदतों ने अच्छी भली हस्ती बस्ती ज़िंदगी में दरारें डाल दी हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई सोप चल रहा हो। मेरे 9 पोते और 6 पोतियां हैं, इनमें से भी ज़्यादातर बड़े हुए, तालीम से फारिग हुए तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। बजाय काम काज सीखने और क्लाइंट्स और मुलाजमीन से शफकत, समझ बूझ और इज़्ज़त एहतराम का सलीका करने के, उन्होंने ख़ुद को मालिकान और आला ओदों पर शुरू से ही फ़ायज़ समझा, अपने आप को बहुत ही कोई ऊपर की चीज़ समझा। बेटों ने तो जी अब्बा जी कहा, मगर पोते मेरे साथ कज बहसी करते हैं और अपने वालिदैन के साथ भी बदतमीज़ी का रवैया रखते हैं। बजाय फैमिली बिज़नेस को समझने और वक्त सर्फ करने के, तीसरी नस्ल का रुझान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, रुपए पैसे बग़ैर हिसाब के कैशियर से बटोर लिए जाएं। कोई हिसाब किताब ना हो, वक्त बे वक्त गायब हो, छुट्टियां कर रहे हों, मवाक़ज़ा ना हो, कोई पुरसिश ना हो, और जैसे ये ख़ुद CEO हों, दादा CEO नहीं है बल्कि वो ख़ुद CEO अपने आप को समझते हैं। पेड इंटरनेशनल वेकेशंस, न्यू लग्जरी कार्स की डिमांड्स हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। अपने वालिदैन को मत देते हैं कि दादाजी को बोलो अब वो घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, और अपना बिजनेस स्टाइल उनका ओल्ड और ऑब्सलीट हो चुका है। आपस में भी हर वक्त क्रिबिंग, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन करते हैं। 3 पोतों ने तो हद कर दी है, ड्रग्स और अल्कोहल भी शुरू कर दिए। बोर्ड मीटिंग्स में आकर गुलगपाड़ा करते हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब मैं अपनी रिट कायम करता हूँ तो मुझे अपसेट करते हैं। मेरे औलाद है, मैं उन्हें फायर नहीं कर सकता, मगर फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी कहते हैं हमारे नाम लगा दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो। डॉक्टर सदाकत, मैं बहुत परेशान हूँ। रुपए पैसे और वेल कनेक्टेड होने के बावजूद मैं ख़ुद को गिल्टी महसूस करता हूँ, शायद मैंने इनकी सही इनको रेज़ नहीं किया। अब बेटे भी मुझसे कतराने लगे हैं। मैंने क्या गलती की है, अब मैं सिचुएशन को कैसे संभालूं? ये बिज़नेस अम्पायर जिसे मैंने अपना खून पसीना एक करके राइज किया है, अब इनके गलत रवैयों की वजह से ये तबाह हो रही है। आप वेल सीजन भी हैं, वाइज भी हैं, आपकी टीवी शोज़ और विलिंग वेज फेसबुक पेज पर आपके प्रोग्राम भी मैं गौर से देखता हूँ। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर सोसाइटी, प्लीज़ मेरी रहनुमाई भी फरमाएँ और मुझे अपॉइंटमेंट भी दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। I would like to meet you personally, but अभी आपको ये मसला मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ, प्लीज़ जवाब दीजिएगा। इजाज भाई, ये जो फैमिली बिजनेसेस हैं ये दुनिया भर में कुदरती तौर पर इवॉल्व हुए हैं पिछले कोई 200-300 साल में। उससे पहले आमतौर पर बादशाह की औलाद बादशाह होती थी और उस वक्त भी बहुत सी साजिशें पलती थीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती थीं। अब जो पिछले 200 साल में दुनिया भर में फैमिली बिजनेसेस इवॉल्व हुए हैं और जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो आसान होने से, रबते की सूरतें आसान होने से, अब किसी का बिज़नेस एक ही शहर में नहीं होता बल्कि किसी मुल्क के तमाम शहरों में या दुनिया के बहुत से ममालिक में होता है। जी, और जब कोई बिज़नेस शुरू करता है, जैसे इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है और अब माशाल्लाह 70 साल के वो हैं, तो जब बिज़नेस शुरू किया था तो ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ ये थी कि बिज़नेस कामयाब हो जाए, और ये पता नहीं था कि बिज़नेस इस दर्जे कामयाब हो जाएगा और उसमें कुछ मसाइल आ जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ फलती फूलती है तो उसको मुनज़्ज़म करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। जब किसी चीज़ का साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो जो अहलियत होती है उसको मुनज़्ज़म करने की वो कम पड़ जाती है। एक चीज़ है, बिज़नेसेस का कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये शायद आपको हैरत होगी सुन के कि कोई एक आध फैक्टर ऐसा बाज़ूकात सामने आता है कि कोई बिज़नेस कामयाब हो जाता है, कोई इसलिए कि वो यूनिक बिज़नेस होता है, कोई इसलिए कि लोगों की ज़रूरतें उससे पूरी होती हैं, कोई बिज़नेस इस वजह से कामयाब हो जाता है कि किसी की मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स अच्छी होती हैं। और जब कोई बिज़नेस कामयाब होता है तो कैश फ्लो, जो कि बड़ी ताकतवर चीज़ है, उसके अंदर आ जाती है। और बिज़नेस आमतौर पर 20-25 साल में
जो बहुत फलता फूलता है, तो फिर अगली जनरेशन जवान हो जाती है तो वालिद की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे मेरे बिज़नेस को संभालें जी, और बच्चों में फिर आपस में भी थोड़ी रुकावट होती है, जो बच्चों में भी राइवलरी होती है, तो जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो रुकावट कायम रहती है। फिर बाप बेटे के रिलेशनशिप में भी एक रुकावट होती है, जिसमें कॉन्शियसली वालिद अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा होता है और अनकॉन्शियसली वो ऐसी चीज़ें भी कर रहा होता है कि उनको आगे बढ़ने के वो मौके ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दे पा रहा होता। जो बिजनेसेस होते हैं, अगर वो फाइनेंशियली कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे बिजनेस हैं। यानी बिजनेसेस का वाहद क्राइटेरियन ये नहीं है कि उसमें कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो, उसका इखलाकी पहलू से भी बिज़नेस का अच्छा होना ज़रूरी है, उसके अंदर जो मेरिट का सिस्टम है उसका अच्छा होना भी ज़रूरी है। जैसे किसी एक इंसान के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक मैनरिज्म है जो बाज़ औक़ात हमें वक्ती कामयाबियाँ बिज़नेस में या लाइफ में उससे मिल जाती हैं, कि हमारा बिहेवियर जब दूसरे लोगों से हम मिलते हैं कनेक्ट करते हैं तो हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बहुत अच्छे अखलाक से बात करते हैं, लेकिन हड्डियों तक नीचे वो अखलाकियात मौजूद नहीं होती। करैक्टर एथिक जिसको कहा जाता है, मैनरिज्म और करैक्टर एथिक। जैसे अगर आप किसी दुकानदार से मिलते हैं उसके काउंटर पे, तो 5-7 मिनट का एक ऐसा वक्फा होता है जिसमें उसने स्माइल भी करना होता है, आपके साथ अच्छी तरह हाल अहवाल भी पूछना होता है और सौदा बेचना होता है तो उसको अच्छे इखलाक का मुजारा उसके लिए करना होता है। और जब आपका वो जो इंटरेक्शन है ख़त्म होता है और आप अपने घर लौट जाते हैं तो वो अपने असली फैब्रिक की तरफ, जो असली उसका जो करैक्टर एथिक है, अपनी तन्हाई में वो वापस उसके अंदर चला जाता है। तो जब तक इखलाकी कदरें हड्डियों तक ना उतरी हों किसी एक इंसान के अंदर, तो बज़ाहर कामयाबी अगर उस इंसान को मिलेगी तो वो खुश नहीं होगा। बिजनेसेस का भी यही हाल है, फैमिली बिजनेसेस का, बड़े बिजनेसेस का भी यही हाल है कि सिर्फ कैश फ्लो की बुनियाद पर कि रेवेन्यू कितना आता है, सालाना प्रॉफिट कितना आता है, दुनिया में आजकल बिजनेसेस को ऊंचा रेट नहीं किया जाता सिर्फ इस एक बुनियाद पर। जब तक कि कंपनी की या उस फैमिली बिजनेस की रग रग में एथिक्स मौजूद ना हो, तब तक अब उसे एक ऊंचे दर्जे का बिजनेस रेट नहीं किया जाता। जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिन्हें कहा जाता है, तो वो बैस इस बुनियाद पर नहीं होती कि उनका सालाना टर्नओवर क्या है, वो कंपनी के अंदर जो मामलात कैसे चल रहे होते हैं उनके ऊपर भी गहरी नज़र रखी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में अभी आगे चल के बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी जी। फिलहाल कोई भी शख्स जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करता है तो वो चाहता है उसकी औलाद उसमें सबसे पहले आए और मेरिट को मद्देनज़र रखे बगैर औलाद इंडक्ट होती है कारोबार में, और उनका ख्याल होता है कि वो बहुत सुकरात बुकरात हैं जी, और वो अपने रिश्ते की बुनियाद पे ऊँचे ओहदों पर फायज होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अहलियत या काबिलियत मौजूद नहीं होती, करैक्टर एथिक भी वैसा नहीं होता, और जल्द ही दौलत की जो गरमाइश है जी उन्हें रस्तों से हटने पे भी मजबूर कर देती है। यहाँ जो सूरत हाल है, 70 साल उनकी उम्र है जी, उम्मीद है कि उनकी सेहत अच्छी होगी जी, क्योंकि ऐसे लोग जो कामयाब बिजनेस चलाते हैं वो अपना ज़िंदगी का निज़ाम भी अच्छा रखने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन कायम करते हैं, अपना खाना पीना, सेहत के मामलात, एक्सरसाइज, नींद, इन चीज़ों का भी वो ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ वो हार्ड वर्क करके जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, और फहमो फरासत के साथ जिसका नेमुल बदल हार्ड वर्क भी है, तो वो चीज़ों को मिला के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और जैसा कि वो बताते हैं कि उनके 3 बेटे हैं जो कि उनके साथ कामकाज में शरीक हैं, और उनको अपने बेटों से उतनी शिकायत नहीं नज़र आती जितनी के पोतों से शिकायत नज़र आती है।
इससे एक अंदाज़ा ये भी है कि हर गुजरती हुई जनरेशन के साथ वालदैन के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपनी पसंदीदा कदरों को अगली नस्ल में मुंतकिल करें, और आने वाले वक्तों में ये और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो असरात हैं किसी शख्स की ज़िंदगी पर वो घर से या ख़ानदान से उतने नहीं होते जितने के उस तालीमी दरसगाह के या मुआशरे के या सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक चैनल से जो फीडबैक आ रहा होता है उसकी बुनियाद पर वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। और वो रहनुमाई के लिए अब ख़ास तौर पर वालदैन के लिए, वालदैन की तरफ उस तरह नहीं देखते जैसे कि पहले देखा करते थे। सो एक वो है, आगे तीन बेटे हैं जिन्होंने रिस्पेक्ट को काफ़ी हद तक अपनाए रखा, क्योंकि ये पिछली सदी के निसफ आखिर में उनका ये सिलसिला चल रहा होगा, इंटरेक्शन होगा कि वालिद एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर या सीई के तौर पर मेहनत से कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे और उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने वालिद का हाथ बटाना शुरू किया, फिर उनकी शादियाँ हुई, फिर उनके बीवियाँ आई, फिर उनके बच्चे आए। इस सब हालात में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुनबा फैल रहा है, तो बीच में वो जैसे आप इंडियन ड्रामों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोहल्लती साजिशें ऐसे बड़े घरानों में शुरू हो जाती हैं जहाँ अल्लाह का बड़ा फजल होता है, खाने पीने के मामलात का कोई फिक्र नहीं, खर्च करने का कोई फिक्र नहीं, तो उनको फिर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और वो एक दूसरे के साथ सही तबादला ख्यालात नहीं कर पाते। एक पहलू ये है कि वो एक दूसरे का एहतसाब करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। दुनिया में आजकल घरों को और मुआशरों को और ऑर्गेनाइजेशंस को इस पैमाने पे बहुत जांचा जाता है कि वहाँ हर शख्स किसी दूसरे शख्स का एहतसाब कर सकता है भले मानसों की तरह, या जब भी एहतसाब करेंगे खप पड़ जाएगी, जब भी नुक्ता चीनी होगी तो वो तौहीन की सरहदों को छूने लगेगी जी। तो जहाँ भी लोग खुश दिली से अखलाकी कदरों को साथ रखते हुए एक दूसरे के साथ एहतसाब का काम करते हैं तो वो ऊंचे दर्जे के घर या ऑर्गेनाइजेशन या मुआशरे होते हैं। जैसे दुनिया के ज़्यादा ममालिक में अब डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है और जो सल्तनतें या बादशाहतें थीं वो अब बहुत कम से कम होती चली जा रही हैं, और सब ने ये तस्लीम कर लिया है कि जमहूरियत बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी है मुल्कों के अंदर। और अगर ये हो सकता है फ्यूचर में जमहूरियत से कोई बेहतर तरीका या निज़ाम लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, पर सरे दस्त जो जमहूरियत अपनी कुछ कबाहतों के बावजूद बेहतरीन सियासी निज़ाम समझा जाता है, और घरों में भी जमहूरियत का दौर दौरा है और बाज़ औक़ात जमहूरियत के नुकसानात भी घरों में देखने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग ज़िम्मेदार नहीं होते वो भी जमहूरी कदरों को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जब ज़िम्मेदारियों का मामला आता है तो वो कोताही करते हैं, जब हकूक़ का मामला आता है और दूसरे पे एतराज़ करने का मामला आता है तो वो जमहूरी कदरों की तरफ ज़्यादा चलते हैं। अब वो बता रहे हैं कि बीच में दादाजी की कोई ख़ास वो इज़्ज़त आबरू भी नहीं करते क्योंकि वो उनके तरीके ऑब्सोलीट उनको लगने लगे हैं, होंगे ऑब्सोलीट क्योंकि कितना 50-60 साल का ज़माना बीच में गुजर गया है, तो तरीके होंगे ऑब्सोलीट। जब दादाजी ने कारोबार शुरू किया था तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स नहीं थे और दादाजी शायद बाहर से पढ़ के भी नहीं आए थे, लेकिन उनमें विजडम थी, हार्डवर्क था, परसिवियरेंस थी, परसिस्टेंस थी, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, बच्चे साथ मिले। तो यहाँ ये भी थोड़ी सी बात आ जाती है कि अगर बच्चे बिजनेस को आगे ना बढ़ा सकें तो बुरे बन जाते हैं, वो अगर आगे बढ़ाएं तो कहा जाता है कि जी बना बनाया बिजनेस मिल गया था जिस पे बैठ गए, तो कौन सी बड़ी बात है अगर इन्होंने इस बिज़नेस को आगे बढ़ा दिया है। और देखने में आता है बहुत सी कंपनीज में
कि बेटे बहुत तेज़ी से अपने वालिद के शुरू किए हुए बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से तरक्की सामने आ रही होती है, और यहाँ थोड़ा सा वालिद भी इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वो जो उनका क्रेडिट है जो उन्हें हमेशा लेने की आदत होती है क्योंकि उन्हें हमेशा तारीफ मिली होती है इस मामले में, तो कहीं किसी लेवल पे जब बच्चों को क्रेडिट मिलता है तो थोड़ी इनसिक्योरिटी वालिद को भी महसूस होती है, फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ भी थोड़ी इनसिक्योरिटी आ रही होती है, फिर कुछ अंदेशा है, दूर दराज होते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो इस बिज़नेस का क्या बनेगा। तो ज़्यादातर फैमिली बिजनेसेस या तो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, फिर जब और बिज़नेस बढ़ जाता है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ बन जाती हैं, और जब बिज़नेस और वसी हो जाता है नेशनल स्केल पे या इंटरनेशनल स्केल पे हो जाता है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ बन जाती हैं जिनमें पब्लिक भी शेयर ख़रीद सकती है और जिसमें अहम मुद्दों पर लोग जॉब करने आ सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के अलावा। बाज़ औक़ात किसी ना किसी बीच की स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि जैसे दादाजी हैं तो वो चाहेंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए ताकि इसका मुस्तकिल एक ये मुस्तकबिल महफूज हो जाए कंपनी का, ताकि उसमें मेरिट का दौर दौरा हो। लेकिन जो पोते हैं वो चाहेंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना बने क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते ही उनका असर और रसूख कंपनी में कम हो सकता है, जबकि जो दरमियान की जनरेशन है बीच में तो वो चाहेगी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहे ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। लेकिन अल्टीमेटली इन सब मसलों को हल करने के लिए कुछ टूल्स हैं जिन पे दादाजी को संजीदगी से निगाह डालनी पड़ती है। उसका बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदल जाती है, तो बिज़नेस अपनी वैल्यू खो देता है, तो इनोवेशन के साथ मार्केट के ऊपर नज़र रखते हुए लोग बिज़नेसेस को आगे बढ़ाते हैं और महज ज़िद में आगे नहीं बढ़ाते। जब उन्हें लगता है कि इस बिज़नेस में अब जान नहीं रही, दुनिया में ये बिज़नेस एग्ज़िट पे है और नए बिज़नेस हैं जो कि उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे पिछले 25-30 साल से जब से कंप्यूटर्स और इस तरह की मोबाइल और तो नए बिज़नेसेस बहुत आ गए हैं और बहुत सारे बिज़नेसेस जो पहले होते थे या तो वो ख़त्म हो गए हैं या रस्मी तौर पर चल रहे हैं। यानी दुनिया में ऐसे बेशुमार बिज़नेसेस हैं जिनको अब महज कंटिन्यूटी की खातर रस्म की खातर चलाया जा रहा है, जबकि हालात इतने बदल गए हैं कि उन बिज़नेसेस का अब इतना जवाज़ नहीं रहा। अच्छा, अब ये जो बिज़नेसेस होते हैं ये ख़ानदान के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया करते हैं। True. और जब ख़ानदान के लोग इन बिज़नेसेस में आते हैं तो वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के इस बिज़नेस में आमतौर पर आते हैं और वो अपना इस्तेकाक समझते हैं उस रिश्ते नाते की बुनियाद पर जो कि CEO से उनका होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक CEO के ममनून नहीं रहते क्योंकि इंसान ज़्यादा देर तक किसी कैफियत में नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन आप कितनी देर खुश होंगे, 2-4 दिन के बाद उस गाड़ी के नुक्ता नज़र से जो आपकी खुशी है वो फिज़ल आउट कर जाएगी। इसी तरह जब हम किसी के ममनून होते हैं, कोई हमारे लिए कोई बेहतर काम करता है या एहसान करता है, तो हम ज़्यादा देर तक एहसानमंद नहीं रह सकते। अगरचे एहसान करने वाला हर दम इसका लुत्फ ले रहा होता है कि मैंने एहसान किया है और दूसरों के लिए मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन जिन पर एहसान किया जाता है वो जल्दी थक जाते हैं और CEO सोचते हैं कि देखो मेरी मेहनत के सम्राट इन लोगों को मिल रहे हैं और ये फिर भी बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं है। और हर इंसान चाहता है कि वो अगर अपने अहबाब के लिए या अपने अहले खाना के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है जी तो उस हवाले से उसकी इज्जत और तकरीम होनी चाहिए और लोगों को उसका एहसान मंद होना चाहिए। लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से बदलता चला जाता है और नौजवान पहले मुदब्बर उम्र को पहुंचते हैं और फिर बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं और दुनिया में नई कंपनियां उठती हैं और नई तालीम और तरबियत होती है, लोग ज़्यादा गट्स के साथ दुनिया में आ रहे हैं। हर आने वाला एडिशन जो इंसान का है वो पहले एडिशन से थोड़ा बेहतर होता है।
इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जो अब इंसान आ रहे हैं वो पहले लोगों के निस्बत ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि उनके पास काबिलियत को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जी। अब टूल्स क्या होते हैं, यानी अगर कोई काम हम बर वक्त नहीं करते, बाद में करते हैं, तो फिर हमें तैयार होना चाहिए कि उसके लिए ज़रा मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंसान बीमार होते हैं तो उनके डॉक्टर होते हैं, अस्पताल होते हैं जो इंसानों को दोबारा सेहतमंदी की तरफ लाते हैं। तो इसी तरह जब बिज़नेस बीमार होते हैं या बिज़नेस में मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस फिक्रमंद हो जाती हैं अपने सर्वाइवल के हवाले से, तो फिर उन्हें ऐसे लोगों से रابطہ करने की ज़रूरत होती है जो उनके बिज़नेस में जो बीमारी है उसको डायग्नोज कर सकें और उस बीमारी के लिए कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ कर सकें जिससे कि शिफा आती है। सर, ये जो बड़ा इन्होंने तफसील के साथ मसला बताया, इसकी दो साइड्स हैं। इसकी जो बिज़नेस साइड है उसको तो उन्होंने मेहनत और कोशिश के साथ बामे अरूज तक पहुंचा दिया, लेकिन जो इसकी ह्यूमन साइड या रिलेशनशिप साइड है उसमें बहरहाल कहीं कुछ कमी कमज़ोरी रह गई होगी और कहीं गुजरते वक्त के साथ नई ज़रूरतें और नई रियलिटीज़ ये डिमांड कर रही होंगी कि अब उन्हें अटेंड किया जाए। कई दफ़ा हम इंसान लाजमी तौर पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन गुजरते वक्त के साथ नए चैलेंजेस और नए प्रॉब्लम्स भी सीन का और उस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं। और मैं अभी कुछ देर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये बाप बेटे का रिश्ता भी एक बड़ा ही यूनिक सा रिश्ता है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता भी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तोगयानी, उतार चढ़ाव, एक अंदरूनी फसाद, और नौजवानों को कभी मौका भी मिल जाता है कि वो अपने अंदरूनी फसाद को अपनी रूडनेस या एनर्जी या इन चीज़ों के ज़रिए अमली तौर पे जाहिर भी कर सकते हैं। तो ये तो तय है कि इस मसले के दो हिस्सों में बिज़नेस साइड बहरहाल कुछ बेहतरी की तरफ रही है। चंद चीज़ें हैं, एक तो बाप बेटे का जो रिश्ता है तारीखी तौर पर इसमें कुछ मिथ्स हैं, बल्कि वो अपने बेटे को एक स्टेप आगे जब तक नहीं ले जाता अपने आप से, और ये तमन्ना जो उसके जेहन में होती है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो कम्पीट भी कर रहा होता है बेटे से, वो चाहता है बेटा आगे जाए, पर कहाँ ये जाए कि बाप आगे, यानी ये एक हमेशा आप बाप बेटे के दरमियान ये चीज़ें देखते हैं। इलामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल से मैं एक दफ़ा सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अक्सर लोग मुझे बहुत अंडर रेट करते हैं, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने मैट्रिक में टॉप किया था बोर्ड में और एफए में टॉप, और हर जगह उन्होंने नुमाया पोजीशन ली और बाद में जज बने और फिर हाई कोर्ट के वो जज बने और चीफ जस्टिस भी बने, और किसी पहलू से भी कोई कमी नज़र नहीं आती उनकी ज़िंदगी में, लेकिन है कोई उनका नाम लेने वाला, क्योंकि इतने बड़े कद कामत का जो वालिद होता है वो बच्चों के लिए खासे मसाइल भी खड़े करते हैं। सीईओ अगर इसे सुधारना चाहता है मामले को, तो कहाँ से शुरू करें, ये एक अहम सवाल है कि वो कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मसाइल हम अक्ल व दानिश के जिस लेवल पे पैदा करते हैं, अक्ल व दानिश के उस लेवल पे वो मसाइल हम हल नहीं कर सकते, हमें अपना अक्ल व दानिश का जो लेवल है वो उससे ऊपर लाना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा जिन्होंने हमें अपना मसला लिख भेजा है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने 100 साल पहले या 50 साल पहले बिजनेसेस शुरू किए थे और आज वो अरूज पे हैं और उनका बड़ा नाम है, लेकिन अंदर घर में तकलीफ़ है, इतनी अफ्लुएंस होने के बावजूद, इतना मालो दौलत होने के बावजूद एक दूसरे के बाज़ूकात शक्ल देखने के रवादार नहीं लोग होते, घर से निकलते हुए आते हुए जाते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आमना सामना ना हो, छोटी छोटी बातों पर क्रिबिंग होती है, घर का एक यूनिट होता है और उसके जो छोटे यूनिट है वो अपने अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ मनफी बातें कर रहे होते हैं, और जब बच्चे वालदैन को मनफी बातें करते हुए देखते हैं अजीज़ व अकारब के हवाले से, तो बच्चे इसी कल्चर को अपना लेते हैं।
इसमें एक तो मेरिट जो कि खानदानी बिजनेसेस में नहीं देखा जाता, और अंधाधुंध जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, एक तो होता है ना कि 30 से 33 करना, फिर एक 25 से 33 करना, तो एक जीरो से उठा के ही 33 करके पास किया जाता है, तो ये बात आगे जाके तो फिर बत्ती नहीं है, बिगड़ जाती है। सो एक तो मेरिट के हवाले से कोई ना कोई क्राइटेरियन जब बिजनेस फलने फूलने लगे तो उसको थोड़ा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है, उसमें कायदे ज़वाबत बनाने की ज़रूरत होती है जिसे कोई तोड़ ना सके, उसमें वैल्यूज़ इनग्रेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही घर जुड़े रहते हैं जहाँ एहतसाब का उम्दा निज़ाम होता है। देखिए कुछ घरों में बहुत ही हार्शली एहतसाब किया जाता है, ज़रा सी भी डेवियंस को या ख़राबी को बर्दाश्त नहीं किया जाता और एक दूसरे से कता ताल्लुकी कर ली जाती है। तो ऐसे घरानों में बुराइयां तो नहीं पनपती, इल्लतें तो पैदा नहीं होती, लेकिन ये घराने बिखर जाते हैं जहां ज़रा सी भी बर्दाश्त का पहलू नज़र नहीं आता। दूसरे घराने वो होते हैं जिनमें बर्दाश्त का बहुत पहलू होता है, एक दूसरे की गलत आदतों को बर्दाश्त किया जाता है, ज्यादतियों को बर्दाश्त किया जाता है, तो ऐसे घरानों में वो जुड़ के तो रहते हैं, इकट्ठे तो रहते हैं, जैसे ये घराना भी नज़र आ रहा है कि जुड़ के तो रह रहे हैं, एक चार दीवारी में रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की तरफ से कतई तौर पर साफ या मुतमिन नहीं है जी, और इल्लतों का इज्तमा हो जाता है। जैसे वो कह रहे हैं कि तीन बच्चे तो सीधे सीधे ड्रग्स और अल्कोहल में फंसे हुए हैं, बाकी चुगली गीबत और इस तरह के गैर अखलाकी कामों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे घरानों में जहाँ बर्दाश्त होती है और कोई एहतसाब का निज़ाम प्रॉपर नहीं होता तो इल्लतें जमा हो जाती हैं, लेकिन ये मुतहद रहते हैं। तीसरे घराने वो होते हैं जिनमें अच्छे तरीके से एहतसाब किया जाता है, इल्लतों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन इखलाकी तौर पर कदरों को मलूज़े खातर रखते हुए एक दूसरे की इसलाह की जाती है। तो ये हैं वो आइडियल घराने जिनमें लोग इकट्ठे भी रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ एहतसाब का सिलसिला भी चलता रहता है और इखलाकी कदरों को भी परवान चढ़ाया जाता है। मैं साहब कुछ सवाल करना चाह रही जी, मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही ये मैसेज दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि सब कुछ तुम्हारा है और हमारा सब कुछ तुम्हारा ये जो कुछ भी है, तो इससे तो मेरिट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है बच्चों के जहन में। अरे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि जो हकीकत से बईद बातें हैं या सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं वो इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं होती। रस्मन तो ऐसे कहा जाता है बच्चों को, लेकिन असल में कहना ये चाहिए कि ये सब कुछ हमारा है लेकिन चूंकि आप हमारे बच्चे हैं तो आपका भी है। यानी अपनी नफ़ी करना वालदैन की कोई बहुत ही पुरानी आदत बन गई है कि हमारी खैर है, तो ये जो कुछ भी हम कमा रहे हैं या जो कुछ भी है ये सब आपका है। और फिर जब वक्त आता है और बच्चे वाकई ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ हमारा है, तो फिर वालदैन को काफ़ी तकलीफ़ होती है और फिर बच्चों के साथ मेरिट पे नए सिरे से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और बच्चों के साथ जो सच बोलना है वो बहुत अहम है। बच्चों के साथ उनकी आज़ादी को कायम रखना और उसे मजरूह ना करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इन पहलुओं पे तवज्जो शुरू करते हैं और बिलेटेड शुरू करते हैं, काफ़ी वक्त के बाद शुरू करते हैं, तो फिर नतीजे आने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। और वालदैन किसी भी स्टेज पे अपने बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात को वापस बेहतरीन बना सकते हैं, अगर माजी में कोई चपकलश रही है या कोई मनफी पहलू रहा है ताल्लुकात में, तो बातचीत के ज़रिए उसे निपटाया जा सकता है और आइंदा बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ताल्लुकात का आगाज़ किया जा सकता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात करें या अपने पेरेंट्स की भी बात करें तो उनके कुछ नज़रियात होते हैं जिनमें वो तब्दीली नहीं ला पा रहे होते। देखिए ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और उसमें जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं
उनको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता, जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स को डिलीट करते हैं। अगरचे कहा यह जाता है कि जब हम कंप्यूटर्स में भी सॉफ्टवेयर्स को डिलीट करते हैं तो वो रहते वही हैं, मध्यम हो जाते हैं और उनको दोबारा उभारा जा सकता है। लेकिन इंसान के जहन में जो नज़रियात हैं वो माजी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल इंसानों तक पहुँचे होते हैं, और ये नज़रियात सॉफ्टवेयर्स की तरह इंसान के दिमाग में, जो कि एक कंप्यूटर जैसा ऑर्गन है, वो बड़े गहरे उसके नकोश सख्त हो जाते हैं। आज के वालदैन बच्चों को अपनी खिदमत के लिए तैयार नहीं करते, अगरचे चाहते फिर भी वो खिदमत है। आजकल के वालदैन बच्चों को आसमान पे तरक्की करते हुए सितारों की तरह चमकते हुए देखना चाहते हैं, और जब बच्चे उनके आसमान पे तरक्की करके सितारों की तरह चमक रहे होते हैं तो फिर भी वालदैन चाहते हैं कि सरे शाम वो आसमान से ज़मीन पे उतरें और उनको कुछ खिदमत का मुजाहरा करके दिखाएं, उनको कुछ दबा के, कुछ पैम्पर करके, कुछ प्यार मोहब्बत से उनकी खिदमत करके, तो एक दफ़ा फिर रिट्रेट करें कि औलाद के तौर पर वो फर्मबरदार। तो इतनी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, तो उसमें से कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती, और औलाद एक तरह से चाहती है कि उनके वालिद रिटायर हो जाएं और अनाने हकूमत या बिज़नेस की कमांड या दौलत का अख्तियार उनके पास आ जाए, और वो उसके लिए बाज़ुकात जो जायज़ इंतज़ार है वो करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी शख्स को जो फंक्शनल हो, जो काम करना चाहता हो, उसको काम से रोकने की तरगीब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप काम करते हैं और आपके सामने कोई गोल्स हैं या कोई मकासद हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा मज़ेदार रहेगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही ना हो और फिर आपकी ज़िंदगी में से गोल्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं, तो फिर रिडंडेंसी एक चीज़ है जिसका ज़िक्र ज़रूरी हो जाता है। मुझे बताइए कि आखिर ख़जां में पत्ते झड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका फर्दर कोई रोल नहीं रहता दरख्तों पे, तो फिर वो उतर जाते हैं। तो अपनी अफादियत बरकरार रखना, लंबी ज़िंदगी पाने का राज भी इसी के अंदर है, और घरों में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना और एक दूसरे के लिए बाइस इज़ार ना बनना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बनिस्बत इस पे कि आप बेपना दौलत इकट्ठी कर लें, क्योंकि दौलत की कोई हद नहीं है कि आप और ज़्यादा या और ज़्यादा जब हल दौलत के पीछे रहते हैं तो आपकी तवज्जो खुशियों पे नहीं रहती। तो एक तवाज़न तो उसी तरह कायम रह सकता है कि दौलत भी आप कमाएं लेकिन बामकसद तरीके से कमाएं। महज दौलत का हसूल आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप बामकसद काम काज कर रहे हों और फिर आपको दौलत भी हासिल हो तो आपको हर दिन ना सिर्फ दौलत से खुशी मिलेगी बल्कि वो काम काज बजाते खुद आपके लिए खुशी का बायस होगा। होपफुली जिन्होंने हमसे राब्ता किया है ये एक लंबे डिसिप्लिन में से गुजरे हैं, पिछले 50 साल से उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया है और अपने काम काज को बामकसद बनाया है और अपने कुनबे को लेके साथ चल रहे हैं, तो ये निस्बतन ज़्यादा मुश्किल काम था जो वो कर चुके हैं, और अब वो जो काम करने का उनके लिए बाकी है वो इतना मुश्किल नहीं है और बहुत मज़े का है और बहुत तसल्ली बख्श है। और अपनी ज़िंदगी के अहतमाम पे जब वो मुड़ के देखेंगे तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो उनको नज़र आएगी वो ये होगी कि उन्होंने अपने ख़ानदान को और अपने कारोबार को एक सही डायरेक्शन दे दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, नदीम नूर आपका बहुत शुक्रिया, मिसामना नवाज़ इकरा तारिक आपका, सिपैन आपका बहुत शुक्रिया, सब शुरका का मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह हाफिज़।